नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किसान लाइव देवली यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोटा भामाशाह मंडी में फसलों के ताजा भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कोटा भामाशाह मंडी में धनिया क्या भाव बिका। धनिया की कीमत न्यूनतम 4,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,300 रुपये अधिकतम प्रति क्विंटल तक। अब बात करते हैं गेहूँ के बाजार के बारे में। इस साल देखा जाए तो गेहूँ के दामों में भारी उछाल आया है और इसकी रेटें भी काफ़ी अच्छी रही हैं। मंडी में गेहूं 2100 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। लहसुन से इस साल किसानों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद की थी, लेकिन अभी तक लहसुन का भाव किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लहसुन की कीमतें नए और पुराने और साइज के अनुसार इस प्रकार है। देसी फूल गोले की कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रही और देसी बड़े लड्डू की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। देसी लहसुन छोटे लड्डू की कीमत 800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक रही, जबकि देसी मीडियम माल की कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। वहीं अगर बिल्कुल हल्के माल की कीमत 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। इस प्रकार लहसुन के भाव आप देख सकते हैं। सरसों की कीमतें भी इस साल पिछले साल से कम रही। इस बार सरसों की कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। सोयाबीन की कीमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। बात करें नए प्याज की तो इसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रही। ये सिर्फ कोटा भामाशाह मंडी का भाव था। अगर आपको भारत की या राजस्थान की किसी भी मंडी में किसी भी फसल का भाव जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का रिप्लाई 101% दिया जाएगा और आपको उस मंडी और उस फसल का भाव भी बता दिया जाएगा। तो धन्यवाद।